हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते सभी को, जय श्री राम। ये कौन सी सब्जी है, किस किसने खाई, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे घर में तो कभी नहीं बनी थी, आज मैंने मंगवाई है स्पेशली मीना जी को कह के, क्योंकि ये मेरी बहुत फेवरेट है। तो आप सब लोग ज़रूर बताना ये कौन सी सब्जी है और इसका नाम आप लोगों की लैंग्वेज में क्या है। हमारे मुझे मेरे लिए तो मतलब ये बेह, इसको कहते हैं बेह, और पालक के साथ बनते हैं। पहले हम इसको, ये मूली नहीं है दोस्तों, नहीं किस किसने खाई है कमेंट करके जरूर बताना। ये कुछ बिल्कुल नई अलग सब्जी है जो आज तक आपने वीडियो में कभी नहीं देखी होगी, आज देखोगे, वो भी मैं बनाने वाली हूँ। इसको हम मेरी लैंग्वेज में तो बेह कहते हैं, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या कहते हैं। बहुत स्वाद, बहुत टेस्टी बनती है ये, बहुत ही ज़्यादा। तो हमने छील लिए हैं, अब काट रहे हैं हम इनको, फिर कुकर में डालेंगे। किस किसने खाए हैं कमेंट करके बताना, बहुत कम लोगों ने खाए होंगे, क्योंकि ये मतलब हमेशा रेगुलर बनने वाली सब्जी में से नहीं है, कभी कभी बनती है। कोई कोई मोटा कट गया। जब आती है ना, बिल्कुल मट्टी में होती है, बिल्कुल मट्टी के अंदर ये सब्जी होती है। अब इसको दो तीन चार बार धोएंगे। मीना जी, मैंने मीना जी को कहा, मीना जी ये सब्जी ला दो मुझे। तो मीना जी कही होती क्या है, होती क्या है। फिर मैंने गूगल में से निकाली, फिर इनको फोटो दिखाई, फिर भी ये समझ नहीं रहे थे कि है क्या, क्योंकि मीना जी ने लाइफ में ये खाई नहीं अरे है। यहाँ से भी मिली नहीं है, राहुपुरा से पहाड़ से लेकर आए हैं इसे। और मीना जी कह रही ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। हजार बार समझाने, फिर इनको समझ में आई, फिर ये लेकर आए, और इन्होंने कभी खाई भी नहीं मीना जी ने। तो आज मीना जी को हम खिलाएंगे। मम्मी हमारी सासू माँ तो खाती हैं, उनको उनको तो पता है। तो हमने ये काट ली है, अब इसको हम धोएंगे अच्छे से, धो के फिर हम इसको कुकर में डालेंगे। तो चलते हैं, इसको धोते हैं। बाबा ये सब्जी तुमने खाई है, ये क्या सब्जी है, नहीं कभी नहीं खाई लाइफ में, नहीं ये है क्या। हमें कहा बच्चों क्या आपको नहीं पता, इसको बेह कहते हैं, बेह, यहाँ तो कुछ और ही नाम है। ये बहुत अच्छी सब्जी है ये, मतलब आज खिलाऊंगी मैं तुमको, ठीक है, खा के बताइए कैसी है। तुमने ये कभी खाई है सब्जी, हमारे यहाँ कौन खा रहा ना, है ना खाइए ना, जाने को भी ना कोई। ये रंग बन गई है सब्जी, अभी बनाऊंगी अभी इसको अच्छा अच्छा कुकर में डाल तो के, बनाकर जब फिर खाई ठीक है। नहीं खाई बाबा, ओ बाबा ये नहीं मिलती यहाँ पे, होंगी जरूर, हमने लाई ना, ना खाई ना देखी ना नाम देखिए गाइस ऐसा भी है। अब इसको कुकर में डालेंगे। आलू टमाटर हम कुकर में इसको लगा रहे हैं, चार सीटी आएंगी फिर हम इसको निकालेंगे। तो इसको हम रख देते हैं, 20 से 25 मिनट लग जाएंगे इसको पकने में, कुकर में वो भी। कुकर तो सीटी दे रहा है। पालक मंगवाना था, मैं भूल ही गई, मीना जी को बोला, मीना जी हाँ पालक ले आए तुम। वही तो बे पालक, अच्छा वो सिर्फ बे है, पालक नहीं है, वो बे है। और पालक लानी पड़ेगी। जब पालक अलग है और उसको नाम बे है पालक, हम नहीं खाते पालक का साग बनाते हैं, आलू पालक तो बनाते तूने ये हैं, बोला था बे पालक ले आओ, तो बे पालक। अब मैंने तो यही समझा था कि यही है, एक ही चीज है, हमने तो ये चीज देखी ना।
जल्दी ले आओ जाओ। तो ना कैसी क्या चीज है, लकड़ी सी लग रही है, ऐसा लग रही है मूली हो। नहीं ये बे है, ये सब्जी है, बहुत अच्छी सब्जी बनती है हाँ? और वो स्पेशल है ये। ये रोज नहीं बनती, कभी कभी बनती है। चल जा, तो मिली भी तो जाकर बहुत दूर ही है। जल्दी आना, वो सीटी मार रहा है कुकर। पालक और क्या लाना है? बस खीरा लाना और खीरा। हाँ जल्दी। तो हमारे कुकर ने सीटी दे दी है और पालक नहीं मिली क्योंकि रेगुलर 8 से 9 दिन हो गए यहाँ बरसात पड़ी, निकल नहीं रहा। मीना जी, मीना जी हेल्प मी। क्या आ रहा, पैसे निकाल, उठाओ पैसे, उठा। उठ कहाँ रहा है, फंसा हुआ। तेरा वाला हो। आ गया कुकर में से, वो ढक्कन ही नहीं लगा रहा। तो हमारे बे गलती है, अभी हम तो बनाएंगे। पालक नहीं मिली क्योंकि यहाँ बरसात चल रही है बहुत जोर से और ये गल चुके हैं। बरसात की वजह से पालक नहीं मिली तो अब इसको टमाटर के साथ ही छोंकेंगे, बट अच्छा नहीं लग रहा। जी क्या करें, मजबूरी है, पालक मिली नहीं। अब भी देखें बरसात चल रही है हमारे यहाँ रेगुलर, 1 हफ्ता से ऊपर हो गया है बारिश होते होते। टमाटर हैं, ला 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 ला। क्योंकि थोड़े से हैं ना, हम थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, जीरा तो अब मैं खा नहीं रही। काट रहे हैं, तो अब हरी मिर्च काट रही हूँ मैं। पालक मिली नहीं, अच्छा नहीं लग रहा सच में, काश मिल जाती, बट क्या करें मजबूरी है, बारिश चल रही है यहाँ पे। चमचा दे अंजलि भाभी। तो अभी टमाटर डाले हैं हमने, थोड़ी देर टमाटर को पकने देते हैं फिर हम डालेंगे अपना बेस। पालक बनती तो और अच्छे बनते हैं। इतनी मिर्ची तो है नहीं, हमें तो खांसी आने रहे, हम ऊपर चढ़े हुए हैं। तो हमने थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि पालक वगैरह है नहीं, पालक होती तो और ज्यादा पकाते हम इसको। पालक मिली नहीं, पालक के साथ भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे वीडियो ये। अब मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी। तो ये हमारी बनके रेडी हो चुकी है, बहुत बढ़िया लग रहा है।
आप चाहो तो ऐसे खा सकते हो, आप चाहो तो रोटी के साथ खा सकते हो, बहुत अच्छी बनी है। मीना जी को अच्छी नहीं लग रही, मुझे बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि इन्होंने खाई नहीं कभी तो इनको नहीं पता, बट मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है।